हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका एंड होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और उस दिन मैंने जो मनी प्लांट्स लगाए थे ना यूज्ड बॉटल्स में, देखिए सब में ना नए पत्ते आ गए हैं। ये मैंने मिरर के ऊपर जो रखा था ये वाला, और जो मैंने अपने रूम में भी रखा था ये वाला, उसमें भी इसमें भी आ गया है नए पत्ते, और अच्छे से सब अच्छे से ग्रो कर रहा है। और जो मैंने एक रखा था वो जो डाइनिंग स्पेस के पास, वहाँ भी वो वाले मनी प्लांट में भी अच्छे से नए पत्ते आना स्टार्ट हो गया है। देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट है, ये नए पत्ते हैं इसका, कितना सॉफ्ट है ना। और मेरे नेल पेंट की कलर इनके साथ मैच हो रहा है। और यहाँ पे देखिए भाभी ने ला के रखा है, कितना क्यूट है ना, बहुत ज़्यादा क्यूट है। और इस वक्त थोड़ा बाहर का नज़ारा देख लीजिए, बाप रे बारिश, मतलब इतनी ज़ोर से बारिश हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि बादल फट सा गया है, मतलब पूरा रुक ही नहीं रहा था एक दो घंटा पूरा। बाप रे कितना ज़ोर से बारिश। मैं आपको जाके बालकनी साइड से पूरा अच्छे से इसका व्यू दिखाऊंगी, अब देखना। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि बाढ़ आ गया है, मतलब बाप रे आज बहुत तेज़ बारिश हुआ है यहाँ पर। बारिश के साथ लाइटिंग्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा हुआ है, तो मैं बालकनी के और से लेके चलती हूँ आपको। यहाँ से देखिए अभी भी बारिश चालू है, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, जूम करने से पता चल रहा है। और जैसे नदी में जैसे पानी आने से फिर जो तेज़ बहती है ना, इसमें भी वैसा ही, मतलब अभी पूरा तेज़ पानी चल रहा है। अभी थोड़ा सा बारिश कम हो गया है, मैं आपको आधा घंटा एक घंटे के बाद दिखा रही हूँ। देखिए कितनी तेज़ी से पानी बह रहा है, और ये जो लड़की जा रही है ये तो दोनों साइड से इसको खोद दिए थे ना, तो पानी की वजह से भी पता नहीं चल रहा है कि गड्ढा कहाँ पे, कहीं भी गिर सकते हो। देख रहे हो ना, लाइटिंग्स भी चालू है, कितनी स्लो चल रही सिटी, बहुत ज्यादा रिस्की है भाई, क्योंकि दोनों साइड ही गड्ढा है, अगर कहीं से पैर फिसला ना तो मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। फाइनली वो क्रॉस करके चली गई, तो मैं वही देख रही थी कि कहीं उनका पैर ना फिसले। और यहाँ सामने भी, हमारे घर के सामने भी जो काम चल रहा था, यहाँ पर भी देखिए, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम पानी के बीच कहीं फंस गए। हालत बहुत बुरी है रास्ते का। ओके चलिए अभी अंदर चलते हैं। यहाँ पर भाभी बना रही हैं ब्रेड पकौड़ा, और मैं बना रही हूँ गार्लिक नूडल्स। मतलब हम हमेशा प्याज से ही बनाते हैं नूडल्स में, तो चाउमीन जो बनाते हैं वो प्याज का सिर्फ प्याज यूज़ करके सब बनाते हैं, बट आज मैं नूडल मतलब गार्लिक भी यूज़ कर रही हूँ, सॉरी। तो ये बन गया हमारा नूडल्स, बस इसको मिक्स कर देते हैं, फिर ये रेडी है। बस मैं ना कैप्सिकम डालना भूल गई, और बाद में फिर हमने इसमें अंडा भुर्जी भी बना के मिक्स कर दिया, तो ये एक नूडल्स बन गया। आप भी कभी ट्राई करिएगा गार्लिक के साथ। तो बस आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था, बहुत ही ज़्यादा छोटा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बस फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।